हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉच को कैसे फास्ट ट्रैक स्मार्ट वर्ल्ड ऐप से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूं कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। आप कोई भी फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है ऐप से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड का नाम अभी चेंज होके हो चुका है फास्ट ट्रैक स्मार्ट वर्ल्ड। ये ही ऐप का नाम पहले रिफ्लेक्स वर्ल्ड था, अब फास्ट ट्रैक स्मार्ट वर्ल्ड हो गया है बस, और कोई फर्क नहीं है इस ऐप में। तो अब मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले फास्ट ट्रैक का लोगो देखने मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ से ये सब कंटिन्यू करना है तो कर देना। मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रीड कर लिया, उस पर टिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस होने के बाद आपको यहाँ स्किप पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ता है। तो आपको ऐप में रजिस्टर करने के लिए फ़ोन नंबर डालना पड़ता है। बिना फ़ोन नंबर के आप ऐप को एक्सेस नहीं कर सकते हो, और इसमें ईमेल आईडी का कोई ऑप्शन नहीं है। देना चाहिए था पर दिया नहीं है, तो आपको अपने फ़ोन नंबर से ही लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने नंबर डालने के बाद ओटीपी आपको डालनी पड़ती है। ओटीपी आप जैसे ही डालोगे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नियर बाय डिवाइस जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर यहाँ आपको परमिशन पर जाना है, और यहाँ अलाउ कर देना है। फिर यहाँ आपको नोटिफिकेशन पर जाना है, इसको भी अलाउ कर देना है, और कैमरा को अलाउ दिस टाइम पर ही आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ सर्च मैनुअली पर क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है, तो आपने ब्लूटूथ लोकेशन ऑन कर दिया है, इसका मतलब अब वॉच फाइंड हो रही है। तो यहाँ वॉच फाइंड हो चुकी है फास्ट ट्रैक की। अब आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ नीचे लिख के आ रहा है कनेक्टिंग। अब आपको वॉच पे भी पैर के लिए क्लिक करना पड़ता है, तो ही वॉच पैर होती है, और आपको ब्लूटूथ से भी पैर करना पड़ेगा। तो वॉच सक्सेसफुली पैर हो चुकी है ऐप से। आपको लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए वॉच यूज़ करने में। आपको कॉन्टैक्ट्स को अलाउ करना है तो कर देना, मैं डिनाई कर रहा हूँ। यहाँ से आपको आपका नाम और पूरी डिटेल्स डालनी पड़ती है, तो मैं डाल देता हूँ। और ये डिटेल्स डालना ज़रूरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो। तो पूरी डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ गूगल फिट का भी एक ऑप्शन आता है। अगर आपका पहले कोई गूगल फिट पे अकाउंट है, तो आप वो पूरा अकाउंट इसमें भी ले सकते हो ये ऐप में, ताकि वॉच में भी आ जाए। फिर यहाँ से वेदर अपडेट कर सकते हो, कोई रिप्लाई के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सब परमिशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब आप देखोगे तो ऊपर लिख के आ रहा है फास्ट ट्रैक स्मार्ट, और यहाँ आपको कनेक्टेड लिख के आ रहा है। यहाँ आपको स्टेप्स देखने मिल जाते हैं, वॉकिंग, स्पोर्ट्स, कैलोरीज, आपने कितने स्टेप्स लिए थे, स्लीपिंग, हार्ट रेट भी यहाँ आ जाती है। तो यहाँ आपको पूरे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। फिर यहाँ से जब आप सेकेंड ऑप्शन पे जाते हो, तो आपको यहाँ अब किस सिटी में किसने कितने स्टेप्स लिए वो आपको दिखेंगे। पूरी कमिटी है इसकी, आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हो अलाउ करके। फिर यहाँ से आपको मिल जाता है वॉच फेसेस का ऑप्शन। तो यहाँ से आप कोई भी वॉच फेस अपनी वॉच में ऐड कर सकते हो। तो मैं पहले आपको वॉच फेस ही दिखा देता हूँ। और आप देखोगे तो हर एक वॉच फेस पे फास्ट ट्रैक लिखा है, आपको यहाँ हर एक वॉच फेस मिल जाएगा। और यहाँ अलग अलग कैटेगरीज है वॉच फेस की, जैसे कि नेचुरल है, यहाँ वाइब्स की वॉच फेसेस है, यहाँ स्पोर्ट्स है। यहाँ से आप कोई भी वॉच फेस अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ आपको एनिमेटेड मिलते हैं। तो अब मैं आपको इसमें से एक वॉच फेस अप्लाई करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से आप व्यूज ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। व्यूज ऑल पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है वॉच फेसेस की, और इवन कि आप इसमें सर्च भी कर सकते हो आपको कौन सा वॉच फेस चाहिए। अगर मैंने ये वाला वॉच फेस इंस्टॉल किया है, तो ये अब इंस्टॉल होगा वॉच में। तो वॉच का डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, इसलिए सारे वॉच फेसेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं। डाउनलोडिंग के टाइम आपको वॉच को ऑफ नहीं करना है, ना ही फ़ोन ऑफ होना चाहिए, नहीं तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो वॉच फेस अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो फेस सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, और बिल्कुल HD में आया है। तो आप कोई भी वॉच फेस यहाँ से लगा सकते हो। और इवन कि आपको यहाँ ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे वर्क करता है। तो यहाँ जैसे ही मैंने सर्च किया, सपोज मैंने यहाँ सर्च किया कार्ड्स, और यहाँ मैंने बस सर्च कर दिया, तो आपको उसी टाइप का वॉच फेस यहाँ मिल जाता है।
तो ये काफ़ी अमेजिंग है। फिर आपको माय वॉच फेसेस में अब तक आपने जितने भी वॉच फेस डाउनलोड किए थे आपकी वॉच में वो सब देखने मिलते हैं। और कस्टम वॉच फेस में आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे लगानी है। आपको यहाँ टेक अ फोटो पे क्लिक करना है जिससे आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हो, पर आप गैलरी से ही चूज करना। जैसे आप गैलरी पे चूज करोगे गैलरी ओपन हो जाती है। तो मैंने गैलरी में से ये वाली फोटो चूज कर लिया। आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, सेट कर सकते हो वॉच के हिसाब से। और इसमें आप जो क्लॉक का कलर है वो चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगा फोटो के हिसाब से आप रख सकते हो। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ आपको इंस्टॉल ऑन वॉच पे क्लिक करना ज़रूरी है। तो अब आप देखोगे तो ये वॉच पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कि वॉच पे सेट हो चुका है और काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी में आया। तो अब अपनी खुद की फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आती है क्योंकि वॉच का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। फिर आपको मी पे आपकी प्रोफाइल देखने मिलती है, जो सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ ही पूरे वॉच के मेन फीचर्स होते हैं। आप गोल पे यहाँ स्टेप गोल चेंज कर सकते हो, आपको कितना भी स्टेप गोल चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो वॉच के लिए, स्लीपिंग गोल सेट कर सकते हो, यहाँ मल्टीपल गोल का ऑप्शन है। आपको हेल्थ में ये सब आप जैसे कि ऑटो हार्ट रेट स्टार्ट हो जाती है तो आप उसको ऑन कर सकते हो, ऑटो स्ट्रेस लेवल, गूगल फिट से आप कनेक्ट कर सकते हो, हार्ट रेट अलर्ट पे कनेक्ट कर सकते हो कि इवन अगर आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो वॉच आपको अलर्ट करेगी। हेल्थ का भी फीचर काफ़ी अच्छा है और फास्ट ट्रैक की वॉच हेल्थ के लिए, तो आप हेल्थ के फीचर्स यहाँ से देख सकते हो। फिर माय वॉच में आपको पूरे वॉच के मेन फीचर्स मिल जाते हैं। आप फर्स्ट ऑप्शन से वॉच को कर सकते हो फाइंड, इससे आप ये देख सकते हो कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं। तो वॉच कनेक्ट नहीं हुई है या नहीं आप चेक कर सकते हो। आप वॉच को फाइंड करके चेक कर सकते हो कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं। फिर यहाँ से आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ आपको व्यू यहाँ राइज टू वेकअप डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। अब वॉच का डिस्प्ले ऑफ है और अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो वॉच में, वॉच को अनपेयर कर सकते हो, अलार्म ऐड कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऐड कर सकते हो, वेदर अपडेट कर सकते हो, म्यूजिक ऑन या ऑफ कर सकते हो, ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन भी आपको यहीं से मिल जाता है। यहाँ आप वॉच का अपडेट चेक कर सकते हो, यहाँ आप वॉच की स्पोर्ट्स लिस्ट भी चेंज कर सकते हो। जनरल में आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलता है और रिपोर्ट एंड एरर, मतलब अगर आपको वॉच पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हो ऐप के थ्रू। और यहाँ आपको वॉच के अबाउट में वॉच की पूरी मॉडल नंबर देखने मिलता है और कॉन्टैक्ट अस में आप जो ऐप डेवलपर है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये थे पूरे फीचर फास्ट ट्रैक स्मार्ट वर्ल्ड ऐप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।